नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आशियान के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग आशियान की फुल फॉर्म देखें तो ये होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी ये एक संगठन है जो कि एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट में जो कंट्रीज आती हैं उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है, उन्होंने अपना एक एसोसिएशन फॉर्म किया है। तो यहीं पे एक सवाल उठता है कि आखिरकार एशिया के अंदर जो साउथ ईस्ट का पार्ट है वहां पर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो वो कंट्रीज हैं बर्नुई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम। ये कुछ 11 कंट्रीज हैं जो कि हमारे एशिया के अंदर साउथ ईस्ट पार्ट पर हैं। अगर इन कंट्रीज की मैं बात करूं तो ये जो कंट्रीज हैं, दिस रीजन ऑफ एशिया सफर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिपीटेड कॉलोनियलिज्म बोथ यूरोपियन एंड जापानीज। दरअसल क्या हुआ है कि जो कंट्रीज हैं, इनको गुलाम बनाया है, इनको गुलाम बनाया गया है यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा या फिर जापान के द्वारा। और क्योंकि इनको गुलाम बनाया गया था तो इस वजह से इनका पूरी तरीके से शोषण होता था। एट द एंड ऑफ वॉर इट कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। जब युद्ध खत्म हुआ, क्योंकि जो यूरोपियन और जापानीज हैं ये वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व थी और ये अपनी सेना तो भेजती ही भेजती थी, साथ ही साथ इन कंट्रीज के अंदर जो सेना है, जो मिलिट्री है, इनको भी वॉर के अंदर इंक्लूड कर देती थी। तो ये लोग डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वॉर के अंदर, वर्ल्ड वॉर के अंदर जरूर इन्वॉल्व थे। तो इस वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात आप लोगों को पता है कि जब कोई कंट्री वॉर के अंदर इन्वॉल्व होती है तो वो कंट्री डेवलप अच्छे से नहीं कर सकती, क्योंकि उसका सारा पैसा वॉर के अंदर ही खर्च हो जाता है। अब जब वॉर खत्म हुआ तो इट कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, इनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वो थी नेशन बिल्डिंग, क्योंकि इनको अपने जो नेशन है उसको दोबारा से डेवलप करना था, उसको दोबारा से खड़ा करना था। द रेवेजेस ऑफ पॉवर्टी, वहां पे पॉवर्टी जो है बहुत बुरी तरीके से थी, उसको खत्म करना था। एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी जो वहां पे पूरी तरीके से इकोनॉमिक बैकवर्ड थी, वहां पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, स्कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं था वहां पर, वहां पे ट्रेडिंग अच्छी नहीं हुआ करती थी, वहां पे चीजें प्रोडक्ट अच्छे से बनते नहीं थे, इस सारी चीजें हुआ करती थी। एंड द प्रेशर टू अलाइन विद द वन ग्रेट पावर ऑफ अनदर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अब दरअसल क्या हुआ कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर में क्या हुआ कि इन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ा, इन कंट्रीज के ऊपर, कि ये या तो यूएस के साथ जाए या फिर यूएसएसआर के साथ जाए। तो इस वजह से इनको और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि अगर ये किसी के साथ भी चले जाए तो कहीं ना कहीं फिर से गुलाम बन जाएंगे एक तरीके से। एंड द बांडुंग कॉन्फ्रेंस एंड द नॉन अलाइंड मूवमेंट वर इन एफेक्टेड इन एस्टेब्लिशिंग इनफॉर्मल कॉपरेशन एंड इंटरेक्शन। दरअसल इन लोगों ने ये सोचा था, इन कंट्रीज ने ये सोचा था कि जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस और जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, यानी नैम जो मूवमेंट चल रहा है, उससे इन लोगों का फायदा पहुंचेगा। लेकिन जैसा इन्होंने थॉट्स रखा था कि इससे, इन मूवमेंट से, इन कॉन्फ्रेंस से इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से क्या हुआ, हेंस द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं जिनकी हमने अभी बात की है, शॉर्ट एंड अल्टरनेटिव बाय एस्टेब्लिशिंग द एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस वजह से इन्होंने एक सोचा कि क्यों ना हम अपना ही एक अलग एसोसिएशन फॉर्म किया जाए, क्योंकि ये जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस है, जो हमारा नैम है, वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा, तो क्यों ना हम एक उसका अल्टरनेट ले और एक ग्रुप को फॉर्म करें। तो इसी वजह से इन लोगों ने ग्रुप को फॉर्म किया और उसका नाम रखा इन्होंने आशियान। अगर हम आसियान की बात करें तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1967 बाई 5 कंट्रीज ऑफ दिस रीजन, यानी इसको एस्टेब्लिश करने में 5 कंट्रीज का हाथ था। ये जो किया गया था वो किया गया था 1967 के अंदर बाई साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन, यानी इन्होंने जो 5 कंट्रीज थी इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन किया और फाइनली इन्होंने आसियान को फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे एक टर्म आता है बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये क्या है पहले ये समझते हैं। दरअसल क्या हुआ, 8 अगस्त 1967 को
पूरा है ये 1967 लिखा है, लेकिन पूरा है 8 अगस्त 1967 को फुल डिक्लेरेशन हुआ था पूरा डेट। बैंकॉक के अंदर थाईलैंड जो हमारा कंट्री है उसके अंदर एक स्टेट है या कह लीजिए कैपिटल है थाईलैंड की बैंकॉक, वहां पे कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो इसी वजह से इन्होंने नाम रख दिया बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसको हम आशियान डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं, अगर एग्जाम में पूछ ले कि आशियान डिक्लेरेशन का, हालांकि पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन इसको आशियान डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये जो बैंकॉक डिक्लेरेशन या फिर जो आशियान डिक्लेरेशन था, ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी था। मल्टीलैटरल ट्रीटी वो होती है जहां पे कई सारी कंट्रीज एक होती हैं, यानी कई सारी कंट्रीज मिलके ग्रुप बनाती हैं, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कंट्रीज हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, ये लोग किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए उस ट्रीटी को बनाते हैं, यानी मल्टीलैटरल होते हैं, यानी आपस में लोग ग्रुप बनाते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। अगर हम बात करें कि आखिरकार कौन सी वो 5 कंट्रीज थी जिन्होंने एस्टेब्लिश किया आशियान को, तो वो कंट्रीज थी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, द फिलीपींस, सिंगापुर, ये याद कर लेना, पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें कि आखिरकार आशियान को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आशियान, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आशियान की अगर हम देखें तो आशियान इस वजह से बनाया गया था टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आशियान के अंदर जो कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, उनका ग्रोथ अच्छे से हो सके, सोशल प्रोग्रेस हो सके, इनका जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, वो अच्छे से डेवलप हो सके, प्रमोट रीजनल पीस, यानी जो पीस है, जो शांति है, वो मेंटेन कर सके और पूरे विश्व भर में फैला सके, जितने भी इनके मेंबर्स है उनमें पीस मेंटेन हो, फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। दरअसल क्या हुआ कि आशियान का एक ऑब्जेक्टिव ये था, ये भी था कि जो यूनाइटेड नेशंस ने जो चार्टर बना रखा है, जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखा है, उसको आशियान के जो मेंबर्स हैं वो उस मेंबर जो चार्टर बना रखा है उसको फॉलो करेंगे। आगे अगर हम बढ़ें तो यहां पर ये बात समझ में आ जाती है कि काफी समय के बाद ओवर द इयर्स बदनुई, दारुस्सलाम पूरा नाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड जो कंबोडिया हैं, ये लोग बाद में और ऐड हुए। स्टार्टिंग में 5 कंट्रीज थी और बाद में आशियान में जो 5 कंट्रीज और ऐड हो गई। अब अगर हम करंट में देखें तो इसके अंदर 10 मेंबर्स टोटल हैं अभी, साथ ही साथ एक कंट्री, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पे 11 कंट्रीज है, लेकिन एक कंट्री जो कि आशियान के अंदर नहीं जुड़ी वो थी तिमोर लेस्ते, वो एज अ ऑब्जर्वर वर्क कर रही है। एज अ ऑब्जर्वर का मतलब कि वो देख रही है आशियान का वर्क करने का तरीका कैसा है, उसकी कार्यशैली क्या है, उसमें क्या चीजें अच्छी है, क्या चीजें बुरी है, वो एज अ वर्क कर रही है तिमोर लेस्ते। साथ ही साथ एक और कंट्री है जो कि है पापुआ न्यू गिनी, जो कि ओशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अभी ओशियाना कॉन्टिनेंट क्या है या ओशियन कॉन्टिनेंट क्या है, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ही कहा जाता है। हमको जैसे पता है कि 7 कॉन्टिनेंट है, उसी तरीके से ये भी एक कॉन्टिनेंट है, ओशियाना कॉन्टिनेंट, या फिर कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अगर ये आपको बात पता नहीं थी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक नई चीज जानने को मिला है। तो ये दो कुछ कंट्रीज है जो कि इस एज अ पार्ट नहीं है, एज अ ऑब्जर्वर है। अनलाइक द यूएन, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, देयर इज अ लिटिल डिजायर इन द आशियान फॉर सुपरा नेशनल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। दरअसल क्या हुआ कि इसने यूरोपियन यूनियन की तरह सारी पावर्स अपने अंडर में करने की कोशिश नहीं की, और इसने यूरोपियन यूनियन की तरह अलग अलग इंस्टीट्यूशंस फॉर्म नहीं किए, ये इसके अंदर कहा गया है। अब यहीं पे एक टर्म आता है जो कि आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट अगेन हो जाता है, वो है आशियान वे, अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। कि आशियान ने एक ऐसा रास्ता अपनाया, एक ऐसा रास्ता उसने बनाया जहां पे वो टकराव ना करे, यानी जो कंट्रीज हैं, जो उसकी मेंबर्स कंट्रीज हैं, वो किसी से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया इस
इस आशियान को जो फॉर्म किया गया था वो किसी को टक्कर देने के लिए नहीं बनाया गया था कि हम इस वजह से फॉर्म करें कि किसी को हम टक्कर देंगे उससे आगे निकलेंगे, नहीं। जस्ट बिकॉज आशियान को इस वजह से फॉर्म किया गया था ताकि जो उस कंट्रीज की जो मेंबर हैं, जो कंट्रीज इससे जुड़े हैं, वो डेवलप हो सकें एंड कोऑपरेटिव और एक दूसरे को सहयोग कर सकें। तो इसने एक नया उदाहरण पेश किया पूरी तरीके से लोगों के सामने, इंटरनेशनली इसने एक नया तरीका पेश किया। द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवर्जिनिटी इज क्रिटिकल टू फंक्शनिंग ऑफ आशियान। दरअसल क्या करता है, जो आशियान है, आपके अंदर आपकी जो कंट्री है वो अलग अलग धर्म से हो सकती है, अलग अलग रिलीजन वहां पे हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर हो सकती है। तो आशियान का ऐसा मोटिव नहीं था कि हम यहाँ पर एक ही कल्चर को प्रमोट करें, एक ही लैंग्वेज को प्रमोट करो, नहीं। यहाँ पे सोवर्जिनिटी है, यानी आपका जो धर्म है, जो आपका रिलीजन, आपकी जो कंट्री में कोई सी भी लैंग्वेज बोली जाती, यहाँ पे आशियान के अंदर सभी की रिस्पेक्ट की जाएगी, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा या फिर किसी चीज को थोपा नहीं जाएगा कि अगर आप आशियान के मेंबर बनते हो तो आप लोगों को ये लैंग्वेज ही फॉलो करनी है, ये कल्चर को ही अडॉप्ट करना, ऐसा नहीं है आशियान के अंदर। अब मेन टॉपिक हमारे स्टार्ट होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और अक्सर ये आता है, वो जो टॉपिक है वो है 3 पिलर्स ऑफ आशियान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि आशियान के 3 पिलर्स बताओ। तो सबसे पहले हम समझते हैं आशियान के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पिलर है आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा पिलर है आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, तीसरा पिलर है आशियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। ये तीनों ही पिलर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम आगे देखें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी की। 3 पिलर है, फर्स्ट पिलर के हम डिस्कस करें। तो एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसको इस वजह से फॉर्म किया गया था ताकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट बी एक्सकलेट इनटू आर्म कॉन्फ्रंटेशन। यानी इस कम्युनिटी को इस वजह से बनाया गया है या इस कम्युनिटी का वर्क ये है कि जो इसके मेंबर्स स्टेट है, अगर इनमें आपस में लड़ाई हो जाती है तो ये बातचीत करके ही सॉल्व कर लें, डिस्प्यूट जो हो रहे हैं वो बातचीत करके सॉल्व करें, ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई झगड़े में कूद पड़े, वॉर ना करें, ये इसका मकसद था। दूसरा, बाय 2003 यानी 2003 तक आशियान हैड सर्वल एग्रीमेंट्स, यानी इन्होंने कई सारे एग्रीमेंट्स किए इन प्लेस बाय विच मेंबर स्टेट प्रॉमिस टू अपहोल्ड पीस। जहां जितने भी आशियान के मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो पीस को मेंटेन करके रखेंगे, न्यूट्रलिटी को बरकरार करके रखेंगे, यानी हम जो एक फ्लो में चल रहा है उसी फ्लो में रहेंगे, हम छेड़छाड़ नहीं करें, हम कुछ बदलाव नहीं करेंगे या फिर हम किसी तरीके की कुछ गलत चीजें नहीं करेंगे, हम कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ, अगर आपको हमारे साथ हम के आपके साथ हम अच्छे से कोऑपरेट होकर चलेंगे, नॉन इंटरफेरेंस कि हम किसी के मामले में दखल नहीं देंगे, कि आपका अगर इंटरनल मैटर है तो उसके अंदर हम आशियान के जो मेंबर्स स्टेट्स हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, दखल नहीं देंगे, एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स। और हम जो अलग अलग नेशन में जो डिफरेंसेस है उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनकी इकोनॉमिक में, उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे और सोवरेन राइट्स, यानी हम हर किसी के साथ एक तरीके से व्यवहार करेंगे, सबके साथ हम अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगे, ये इन्होंने डिसाइड किया, ये इस कम्युनिटी का वर्क है। आगे हम बढ़े इसी में, तो द आशियान रीजनल फॉर्म यानी AIRF वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1994 फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी। दरअसल क्या हुआ, 1994 में ARF को फॉर्म किया गया। बेसिकली जो ARF है इसका मेन मकसद ये होता है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी अलग अलग कंट्रीज की जो सिक्योरिटी है ये आपस में लड़े भिड़े ना, यानी अलग अलग नेशंस है वो आपस में लड़े भिड़े ना, इस वजह से जो मीटिंग होती थी बातचीत करने का एक जरिया प्रदान करती थी, जहां पे जो लोग आए, कंट्रीज आए, अगर उनके डिस्प्यूट्स है तो सॉल्व करे, साथ ही साथ ही फॉरेन पॉलिसी को भी मेंटेन करने के लिए वर्क करती थी। ऐसा नहीं है कि आशियान के जो मेंबर्स हैं, मान लेते हैं आशियान के 2 मेंबर्स है, वो एक कंट्री के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं
तो एक तो उसके साथ मेंटेन कर रहा है, लेकिन दूसरे को उसके साथ मेंटेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। मान लेते हैं दो कंट्री है, एक ए है एक बी है, ये दोनों ही आशियान के पार्ट है। अब यहाँ पे तीसरी कंट्री है सी, ए चाहता है कि इसके साथ रिलेशनशिप मजबूत हो सी के साथ, लेकिन बी के दरअसल इसके साथ बहुत ज्यादा पंगे चल रहे हैं। तो इन्हीं सारी मसलों को डिस्कस करते हैं कि इन दोनों इस सी के चक्कर में ए और बी के का जो बीच का जो रिलेशन है वो खराब ना हो, ए और बीच की जो कंट्री है उनके बीच का रिलेशन खराब ना हो। आगे बढ़े तो आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये जो दूसरे पिलर है उसके बारे में हम स्टडी करें, तो ये कहते हैं इट वॉज एंड स्टिल रिमेन्स प्रिंसिपली ऑन इकोनॉमिक एसोसिएशन। दरअसल क्या था, ये आशियान को इसी वजह से फॉर्म किया गया था ताकि इकोनॉमिक एसोसिएशन बना रहे, यानी ये एक आर्थिक संगठन था, एक ऐसा संगठन जहां पे कंट्रीज आएंगी और एक दूसरे की हेल्प करेंगी। और ये अभी भी देखे तो अभी भी इसका जो रूप है वो ज्यादा नहीं बदला है, अभी भी आशियान का मेन मोटिव यह है कि कंट्रीज आए जो इसके मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें। द आशियान रीजन एज अ होल इज अ मच स्मॉलर इकोनॉमी कंपेयर टू द यूएस। अगर हम यूएस से कंपेयर करें आशियान की इकोनॉमी को तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, यूरोपियन यूनियन से भी छोटी है और जापान से भी छोटी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये ग्रो करने की जो इसकी स्पीड है ना वो इन सबसे बहुत ही ज्यादा है, और जिसकी वजह से इसका एक अलग ही आशियान का एक अलग ही अपना रुतबा है। अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये समझेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद आशियान स्टेट्स एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसका है कि सब हम सभी का कॉमन मार्केट हो, कि ए कंट्री बी कंट्री ये वाली कंट्री भी अपने प्रोडक्ट्स को इस कंट्री में बेच सके और ये वाली कंट्री भी अपने प्रोडक्ट को इस यहाँ पर बेच सके। साथ ही साथ प्रोडक्शन हो कि ए और बी दोनों मिलकर ही किसी चीज को प्रोड्यूस करें, या फिर ए की फैक्ट्री आके यहाँ पे प्रोड्यूस करे और इस कंट्री की फैक्ट्री आके यहाँ पे प्रोड्यूस करे, ऐसी चीजें। आशियान स्टेट्स एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनका मेन मोटिव यह था कि एक दूसरे को सोशल एंड इकोनॉमिक कि आपके जो कल्चर है उसको प्रमोट करना, आपकी जो सोसाइटी है उसको डेवलप करना, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना, इन सबका मकसद था। एंड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आशियान डिस्प्यूट, और इनका मेन मकसद ये भी है कि जो आशियान के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज है, जो इसकी मेंबर कंट्रीज है, अगर इनके अंदर डिस्प्यूट हो जाता है तो सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिसॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट, कि जो इनका जो मैकेनिज्म है सॉल्व करने का जो तरीका है उस तरीकों को भी ये लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, ताकि जो आशियान मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट हो तो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके और ज्यादा ना बढ़े। आशियान हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया, यानी FTA। आशियान ने फोकस किया है कि वो फ्री ट्रेड एरिया ग्रो करे, यानी फ्री ट्रेड एरिया का मतलब कि ज्यादा बाउंडेशंस ना हो फॉर इन्वेस्टमेंट लेबर एंड सर्विसेज, ताकि हम आपकी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सके, आप पे लेबर पे इंटरेस्ट कर सके। इट मींस कि आपकी कंट्रीज के लोग हमारी कंट्री में आके वर्क कर सके, हमारी कंट्री के लोग आपके कंट्री में जाके वर्क कर सके और अपनी सर्विसेज दे सके और ले सके, ये इन्होंने कुछ किया है। द यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव फास्ट टू नेगोशिएट FTAs विद आशियान, और यूएस एंड चाइना मूव चाहते हैं कि आशियान के साथ इनका जो बाउंडेशन है वो अच्छा से क्रिएट हो जाए, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर आशियान के साथ यूएस और चाइना का रिलेशनशिप मजबूत हो गया तो इसकी वजह से इन कंट्रीज को, यूएस और चाइना को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। इस वजह से चाहते हैं कि इनके साथ ये FTA की जो पॉलिसी वो लागू हो जाए। अगर हम अपने थर्ड पिलर की तरफ मूव करें तो वो है हमारा आशियान सोशो कल्चर कम्युनिटी। बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, आपके NCERT बुक के अंदर ना कहीं से भी ढंग से नहीं समझाया, बहुत ही कम दिया गया है, बिल्कुल ना के बराबर में जानकारी दी गई है। अब ये टॉपिक अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसकी जो आशियान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके मैंने सर्च किया, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे समझ में आया
आपकी बुक में देख के बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा आप लोगों की आखिरकार इसका इसे क्यों कम्युनिटी को फॉर्म किया गया था, इसका वर्क क्या है। लेकिन आशियान की जो वेबसाइट है वहां पे काफी पढ़ने के बाद पता चला कि जो आशियान सोशो कल्चर कम्युनिटी है उसको बेसिकली क्यों फॉर्म किया गया था, उसका वर्क क्या है, वो करता क्या है। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि देख लो मैंने आप लोगों के लिए कितना कुछ किया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पूरी तरीके से सही आंसर आप एग्जाम में लिख सकते हो, फुल सही होगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज पे ये बात करता है, ये जो कम्युनिटी है जो थर्ड पिलर है ये इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बात करता है, लेबर्स की कंडीशंस के ऊपर बात करता है कि लेबर्स यानी जो बिजनेसमैन है उनकी भी बात यहाँ पे की गई, सबकी नजर में लेबर ही है तो उनकी कंडीशन अच्छी हो, जो नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं वो कैसे काम किया जाए ताकि कभी किसी कंट्री के ऊपर डिजास्टर हो गया तो हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वुमेन का जो रोल है सोसाइटी के अंदर वो कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस पे मीटिंग्स होती है। इसका इट्स विजन 2020, अब तो 2020 नहीं रहा, अब हो गया इट्स विजन 2025, क्योंकि 2020 तो अब चल ही रहा है। तो इसका जो विजन है 2025 में ज्यादा विजन में चेंज नहीं, विजन का मतलब होता है कि इन्होंने ये फिक्स किया है, एम किया है कि 2025 तक हमें इन चीजों पे वर्क करना है। 2020 के अंदर 2025 के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं है, जैसे ट्रेड भी सेम था, पीस मेंटेन करना, डेवलप करना, फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, ये पहले भी था और अब भी है, ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। अब आता है मेन पॉइंट, इस कम्युनिटी को इसलिए फॉर्म किया गया था या ये कम्युनिटी ये वर्क करती है, इट इंक्रीजेस ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जो एक इंसान की जो ह्यूमन की जो क्वालिटी होती है, यानी उसको अच्छी एजुकेशन मिले, उसको अच्छा फूड मिले, उसको हर तरीके के रिसोर्सेस मिल सके, वो कोशिश करती है कि मिले, उनकी ह्यूमन की जो क्वालिटी हो इम्प्रूव हो, ये ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है। आप लोगों के राइट्स है जैसे हमें जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो ऐसे जो आपके राइट्स है इनको ही प्रमोट करते कि इनके साथ शोषण ना हो, कोई भी कंट्री इनके साथ खिलवाड़ ना करे। इट प्रमोट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी ये करती है कि आप डेवलप हो, आप अपने कंट्री के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करिए, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं कि आप पूरे जंगलों को ही खत्म कर दो, ऐसा ना हो, इस वजह से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर भी ये मीटिंग्स करते हैं। इट प्रमोट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, देखो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को भी ये एक कह सकते हैं, हम स्पोर्ट्स को ज्यादा ही बढ़ावा देते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर अगर स्पोर्ट्स खेला जाता है दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करने का यही एक तरीका होता है स्पोर्ट्स, हालांकि बहुत सारे तरीके, लेकिन स्पोर्ट्स भी उन तरीकों में से है कि अगर हमें किसी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना तो उनके साथ हमें तरह तरीके के स्पोर्ट्स खेलने चाहिए। इट ऑल्सो फोकसेस ऑन नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये ऑल्सो फोकस करता है कि अगर किसी देश के अंदर नेचर डिजास्टर आ जाए तो क्या वो कंट्री मैन कैपेबल है या हम उसकी कैसे मदद। अब यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है वो इंडियन आशियान का दिया गया, हालांकि आपके बुक के अंदर ऐसे ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको अलग ही कैटेगराइज कर दिया और लिखा है इंडियन एंड आशियान, यानी जो भारत और आशियान के बीच में कैसे संबंध है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपके बुक में कम दिया गया और ये पूछा भी आपके एग्जाम में उतना नहीं जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए, जानना जरूरी है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू आशियान, यानी जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी थी ना उन्होंने आशियान पे उतना ध्यान नहीं दिया, उनका पूरा फोकस नैम पे ही था। बट इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज ट्राइड टू मेक अमेंड्स, उसने अपने इस फॉरेन पॉलिसी को सुधारा है, इंप्रूव किया है, और इट सेंट एफटीए विद टू एशियन मेंबर सिंगापुर एंड थाईलैंड, और उसने एफटीए साइन किया है सिंगापुर और थाईलैंड के साथ। एफटीए अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, फॉरेन ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया सॉरी। सो ये सिंगापुर और थाईलैंड के साथ साइन किया, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इंडिया इज ट्राइंग टू साइन एन एफटीए विद एशियन इटसेल्फ, अभी तो इसने आशियान के केवल दो मेंबर से ही, सिंगापुर और थाईलैंड से ही सिग्नेचर किया है, भारत चाहता है कि पूरे आशियान के साथ ही एफटीए की जो ट्रीटी है उस पर साइन कर ले, एफटीए हो जाए, जिसकी वजह से भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजों का हमें फायदा मिलेगा, भारत को बहुत टेक्नोलॉजी मिलेगी, ट्रेड अच्छा से ज्यादा बढ़ेगा, डेवलप हो सकेंगे, जीडीपी भी काफी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ये कुछ तरीके की चेंजेस अगर हो गया सक्सेसफुली तो हमें चीजें देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी,
नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय।